नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्कि कृष्णन astrodevam.com से। आज का विषय है वर्क फ्रॉम होम के लिए वास्तु कैसा होना चाहिए। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड प्रचलन बहुत पहले से ही एक दो साल से ही चार साल से चलता आ रहा था और विदेशों में तो बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया है। लेकिन इधर कोरोना काल में जब ऑफिसेज पारंपरिक बंद हो गए तो इसका प्रचलन ज़्यादा हो गया है और अधिकतर लोग, खासकर सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स और भी बहुत सारे विधाओं के लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो इस तरह की बार बार astrodevam.com के पास मेल फोन के द्वारा पूछा जा रहा था कि इसको कैसे हम लोग जो है इसके लिए वास्तु क्या किया जाए। इसलिए मैंने उचित समझा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो बहुत ज़्यादा इस समय व्यापक हो गया है, सबके लिए उपयोगी है, इसके लिए एक सामान्य रूप से एक यूट्यूब पर वीडियो लॉन्च कर दिया जाए। तो इस प्रक्रिया को बताने से पहले, इसकी वास्तु को विश्लेषण करने से पहले, मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहूँगा। करीब 5-6 साल पहले की बात है, हमारे एक मित्र या क्लाइंट जो भी कहे, वो ज्योतिषीय सलाह एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस मुझसे बराबर लेते रहते थे और दिल्ली में उनका आधार है, बेस है और देश के सबसे बड़े शेयर मार्केट के खिलाड़ियों में से एक है। तो उन्होंने एक बार अपनी कुंडली दिखाने आए थे और उन्होंने पूछा कि आचार्य जी, अगर मैं किस दिशा में मुझे बैठना चाहिए कि शेयर मार्केट में मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो उनकी कुंडली, तो मैंने उनसे कहा कि कभी वास्तु आया करने आपके घर का आएंगे, ऑफिस का आएंगे, तो हम आपको बता देंगे दिशा। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं आचार्य जी, आप तो कुंडली देख करके सब कुछ बता देते हैं, तो बता दीजिए, वो तो बाद में जब आएंगे तो देखा जाएगा। अब उनको मैंने कुंडली के आधार पर उनको एक विशिष्ट दिशा का निर्देश दे दिया कि अगर इस दिशा में आप बैठेंगे तो आपकी इंट्यूशन, अतीन्द्रिय क्षमता, आपकी एक आभासीय जो शक्ति होती है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो उन्होंने वहीं बैठना शुरू कर दिया जैसा उन्होंने बताया और उनको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि उनके व्यक्तिगत जीवन में तमाम समस्याएं आने लगी, स्वास्थ्य उनका खराब रहने लगा, नींद आनी बंद हो गई और फिर बात जब तलहक तक पहुंचने लगी तब वो फिर आए कहे कि आचार्य जी, ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। तो मैंने कहा कि क्या क्या परिवर्तन आपने किया था। उन्होंने कहा कि, तब उन्होंने बहुत ध्यान दिया तो उन्होंने बताया कि जब से मैंने आपकी दिशा में बताया था वहाँ बैठने लगा तब से समस्याएं बढ़ गई है। मैंने कहा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कोई और कारण है। तब फिर मैं उनके घर की वास्तु करने गया तो हुआ क्या कि जब मैंने देखा कि वो क्या कर रहे थे, तो उन्होंने ऑफिस जाना थोड़ा उनका कम होता था, वो दिन भर घर से ही रह करके शेयर मार्केट का अपना कंप्यूटर पर कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, उस दिशा में उनका सोने का बेड पड़ता था, जिस बेड पर सोते थे उस दिशा में वही बेड था और उन्होंने बेड पर अपना लैपटॉप रख करके एक छोटी सी मेज लगा ली थी, बैठ करके वो मेरे मित्र या सज्जन या क्लाइंट शेयर मार्केट का खेल खेल रहे थे। तो मैंने कहा, महाराज बेड में कैसे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि बेड इसी दिशा में है तो मैं वहां बैठ गया और फायदा भी हुआ। मैंने कहा, महाराज पूछना तो चाहिए था आपको। तो वर्क फ्रॉम होम का जो वास्तु का सबसे पहला जो सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है कि आप बेड पर अपना ऑफिस कभी ना लगाएं। देखिए, एक तो घर ही आपका ऑफिस के लिए नहीं है, घर की ऊर्जा एकदम अलग होती है। घर की ऊर्जा किस लिए होती है कि आप ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, अपनी दुकान पर, अपने शोरूम पर, हर जगह जब काम करके आप घर पहुंचते हैं तो आप एक सुकून वाली जगह पे पहुंचते हैं, आपकी एनर्जी संतुलित करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वह काम करने के लिए नहीं है। ऑफिस की एनर्जी, फैक्ट्री की एनर्जी, शोरूम की एनर्जी, दुकानों की एनर्जी एकदम अलग होती है और घर की एनर्जी एकदम अलग होती है। लेकिन अगर वहाँ से काम कर रहे हैं तो विशिष्ट रूप से उन चीज़ों पर काम मत कीजिए जो वास्तव में घर की सबसे मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि बेड, आपकी सैया, आपका पलंग, उस पर कभी मत ऑफिस बनाइए। उस पर लैपटॉप लेकर के, अपने कंप्यूटर लेकर के, अपने हिसाब किताब की कापियाँ लेकर के कभी मत बैठिए। और दूसरी चीज है, ये बहुत ज्यादा प्रचलन है खासकर मध्य वर्ग में जिनके पास थोड़ा सा जगह कम होती है, डाइनिंग टेबल पर ऑफिस भरसक कोशिश कीजिए कि न बनाए, क्योंकि जो खाने का काम है और ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम क्या है, खाने के लिए स्रोत इकट्ठा करना, और डाइनिंग टेबल काम क्या है, उस स्रोत को आपके कंजम्पशन के लिए, आपके उपयोग के लिए एक सुंदर वातावरण बनाना, दोनों का
इसलिए भरसक कोशिश कीजिए कि डाइनिंग टेबल पर भी कभी कभी तो ठीक है लेकिन नियमित रूप से न बैठे। सबसे पहली बात है कि घर में आप क्या करें, अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो एक सबसे पहले एक निश्चित स्थान बनाइए कि यह मेरा कार्यालय है। एक मेज कुर्सी हो सकती है या कोई कोना हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, वही आपका ऑफिस। प्रतिदिन वहां बैठना है और सुबह सुबह जिस तरह से आप ऑफिस जाते हैं उस तरह से आपने तैयार हुए और उस जगह पर बैठ गए। उस जगह पर फिर कोई और काम नहीं करेंगे, वहां उस पर खाना नहीं खाएंगे। ऑफिस की मर्यादा का पालन वहां पूरा कीजिए। शाम हो गई, आपने उस जगह को एक रिचुअलिस्टिक तरीके से एक ऐसे ही बंद किया आपने और अपने घर में आ गए, तो मेज कुर्सी या जो भी जगह आपने बना रखी है उस ऑफिस का बात का निर्माण। इस बात का इतना ज्यादा महत्व है, इतनी ज्यादा, मैं 30 साल से वास्तु पढ़ा रहा हूँ और लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूँ, नए सौदे, इस बात का कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके घर का जो वास्तु है, घर जो भी है, उसका ऑफिस के वास्तु से क्लैश नहीं होना चाहिए, आपके बिजनेस के वास्तु से क्लैश नहीं होना चाहिए। एक जगह विशिष्ट रूप से आप बना लीजिए कि यही जगह मेरी वास्तु के लिए दृष्टिकोण से यही मेरा ऑफिस है, सुबह जाके बैठना है, नहा धो के तैयार होकर के, ऐसा नहीं कि मुंह से बना चलो ऑफिस का काम करने लगे, नहीं, खाना भी खा रहे हैं बीच में, फिर हट गए, फिर बैठने लगे, दूसरे काम भी करने लगे, नहीं, एक विशिष्ट स्थान का निर्धारण करना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो ऑफिस जिस तरह से मर्यादा करते हैं उसी तरह से आप इसको भी करेंगे, अपनी मेज उसको क्लटरिंग नहीं करेंगे, कूड़ा घर नहीं बनाएंगे, एकदम साफ सुथरा आपका ऑफिस का जो टेबल जिस तरह होता है, अगर आप नीचे जमीन पर भी बैठ रहे हैं वो भी जगह को साफ सुथरा रखेंगे, क्लटरिंग नहीं, क्योंकि ऑफिस की जो एनर्जी है वो तभी उत्पन्न हो पाएगी। अगर आपने उस मेज पर इधर उधर कबाड़ इकट्ठा कर लिया तो फिर आप जो है नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह रंग, उस मेज का रंग, अगर आपने एक जगह बना रखी है, दीवार है, वहाँ का भी रंग थोड़ा सा सोबर रखें। ऑफिस में बहुत बार मैं वास्तु करता हूँ, वहाँ मैं ब्राइट कलर्स, एग्रेसिव कलर्स भी सजेस्ट करता रहता हूँ, लेकिन घर में अगर बहुत ज़्यादा उस तरह कलर रखेंगे तो घर की ऊर्जा प्रभावित होने लगेगी, घर की ऊर्जा जो सुकून वाली शांति वाली होनी चाहिए वो प्रभावित होने लगती है। तो इसलिए वहाँ पर जो भी कलर हो, जैसे और आपके व्यवसाय के अनुरूप भी कर सकते हैं, मान लीजिए सामान्य व्यापारी हैं, क्रिएटिव आर्किटेक्ट हैं, आप सीए हैं, तो हरे रंग का हल्का इस्तेमाल कीजिए। कंस्ट्रक्शन में है तो लाल रंग का बहुत हल्का शेड इस्तेमाल कीजिए। और खासकर इन दिशाओं को भी ध्यान देकर किया जा सकता है। और ज्यादा अच्छा होगा कि मैं सलाह दे रहा हूँ आपको कि आपका जो कोई निकट में वास्तु कंसल्टेंट हो, क्योंकि मेरे पास, हम लोगों के पास वास्तुदेव में वैसे ही बहुत सारे हम लोग काम के बोझ से दबे हुए हैं, लगातार हमारे पास वास्तु कंसल्टेशन काम आने वाला होता है, विदेशों के क्लाइंट्स को भी हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आप अपने स्थानीय वास्तु वाले से पूछ लें। और अगर कोई अच्छा नहीं मिल पा रहा है, बहुत अच्छा वास्तु कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है, अरे गरे नथु खरे से वास्तु मत कराइए, सलाह मत लीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि 4 दिन 5 दिन का कोर्स कर करके लोग वास्तु कंसल्टेंसी करने लग रहे हैं और उससे ना फायदे में या नुकसान हो रहा है। तब आप हमको संपर्क कर सकते हैं अगर कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चित होकर के astrodev.com को संपर्क कीजिए और आपको जो भी सलाह दी जाएगी एकदम परखी हुई जांची हुई सलाह दी जाएगी और वो 100% खरी हो सकता है। एक और बात जो अगली बात है उसमें कि दिशा का निर्धारण। अगर आपका काम क्रिएटिव है जिसमें कुछ आपको नया सृजन करना है, जैसे आर्किटेक्ट है या केस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, पेंटर हैं आप जो है, या जहाँ सोचना चिंतन की प्रक्रिया है, जैसे एडवोकेट हैं जो है, उनको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। लेकिन फाइनेंस वाले व्यापारी हैं, शेयर मार्केट वाले हैं या फिनेंस के बंदे हैं, उनको उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम तक की तरफ भी दिशा की तरफ मुख करके हम बहुत सारे क्लाइंट्स को बताते हैं और बहुत ज़्यादा उनको लाभ होता है, लेकिन सामान्य रूप से बिना कुंडली देखे, अब बिना आपके व्यवसाय के, आपके कंपनी की प्रकृति को देखते हुए दक्षिण और पश्चिम की तरफ देखने का सलाह नहीं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप बैठ रहे हैं, आपके पीछे खिड़की या दरवाजा नहीं होना चाहिए, अगर सॉलिड वॉल है तो बहुत अच्छा होता है। और अगर आप एक बिजनेस पिरामिड, हम लोग क्या मिलता है, एक
चौकोर सा बहुत सुंदर सा होता है, astrodev.com पे जाके देखेंगे, उसका लिंक भी हम नीचे दे दे रहे हैं आपको कमेंट जो है जिसपे देख पाए, नहीं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अगर पूछेंगे तो उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। बिजनेस पिरामिड अगर आपके पीछे की दीवार पर लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी बैक से मिलने लगती है, एनर्जी बैक आपको सपोर्ट करने लगती है। अगली बात है कि जहां आप बैठ रहे हैं, जहां आपकी मेज कुर्सी बना रखी है उसके ऊपर ओवरहेड बीम नहीं होनी चाहिए। वो अगर ओवरहेड बीम क्रॉस कर रही है तो उसको ऐसी जगह को अवॉइड करें, ऐसी जगह को निराकरण करें, ऐसी जगह पर न बैठें। बेसमेंट के लिए बराबर हमारे पास प्रश्न आते रहते हैं कि क्या बेसमेंट में हम अपना वर्क फ्रॉम होम का ऑफिस बना सकते हैं, निश्चित बना सकते हैं। और खासकर हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को जहां गहन चिंतन की जरूरत होती है हमने बेसमेंट में ही बनाया हुआ है, बहुत सफल हुए हैं। लेकिन बेसमेंट में जब बनाने से पहले किसी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से सलाह ले लीजिए, वह ऊर्जा को संतुलित कर देगा। हमसे भी सलाह ले सकते हैं लेकिन अगर हमसे संपर्क करना सुलभ न हो क्योंकि हम लोग जो है खुद ही व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा, तो आप जो है अपने स्थानीय, लेकिन फिर से मैं दोहराऊंगा, ये बार बार दोहराना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी शौकिया वास्तु कंसल्टेंट से जो इंटरनेट पर के बना हुआ है, ऐसे लोगों से वास्तु कंसल्टेंट राय मत लीजिए। उससे पूछिए क्या उसके पास वास्तु की किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, कितने दिनों का उसका अनुभव है, 5 साल 10 साल का उसका पास अनुभव होना चाहिए। उससे पूछिए तुमने कहाँ से वास्तु की पढ़ाई की है, ऐसे ही शौकिया पढ़ने वाले उस करेंगे आपकी जिंदगी में ज़्यादा। तो इसके बाद जो है आपकी जो महत्वपूर्ण बात है कि आपने टेबल पर अगर संभव हो तो कोई पिक्चर रखिए। आपकी फील्ड का मास्टर है तो बहुत अच्छा है, मान लीजिए शेयर मार्केट है तो वॉरेन बफेट का पिक्चर रखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर में है तो बिल गेट्स की पिक्चर रखिए। आपको जो एनर्जी मिलेगी आप उसको मुझे धन्यवाद देने से मना नहीं कर पाएंगे। आप अपने कई श्रद्धेय गुरु भगवान ईश्वर की भी रख सकते हैं उससे भी, लेकिन आपकी श्रद्धा उसमें होनी चाहिए, कैजुअली नहीं कि माताजी ने कहा आपकी पिताजी ने कहा कि बेटा देखो ये बाबा की रख लो, अब मन ही मन उस बाबा को आप स्नेह नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते हैं तो मत रखिएगा, क्योंकि सब कॉन्शियस जो माइंड है आपका वो विद्रोह करेगा और आपकी सफलता के राह में रोड़े अटकाएगा। एक और दो चार मैं गैजेट्स का नाम ले रहा हूँ जो हमारी वेबसाइट पर है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एक तो है टेबल मैक्स पिरामिड, जो है ये बहुत छोटा सा इतना बड़ा सा पीस रहता है मेरी हथेली कितना बड़ा, टेबल के नीचे लगा दिया जाता है, टेबल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने इसको लगाया है और उनको बहुत अच्छा फल मिला है, दूसरे लोगों ने भी लगाया हुआ है, लेकिन जो इनको ज़्यादा फीडबैक मिला है उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि फीडबैक के आधार पर मेरी सलाह है कि लगाएंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। एक स्टडी पैड आता है आपके पास जो है, उसमें ढेर सारे पिरामिड बने होते हैं, उस पर लैपटॉप रखने या बुक्स रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ड रोबस्ट टाइप का है उसको रख सकते हैं। दूसरी बात है कि जब बैठते हैं आप चेयर पर, क्योंकि घर की में उतनी ऊर्जा उस तरह मिल नहीं पाती, एक विशेष स्थान पर आपको ऊर्जा का सृजन करना है, एक फॉर्चून सीट हम लोग बनाते हैं जो है हमारी वेबसाइट पर है, उसको अगर आप अपनी चेयर पर रख करके बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको ऊर्जा मिलेगी। अगर आपकी मेज पर कैश रखने या पासबुक रखने की भी जगह है, अगर फिनांस का कोई सेंटर पॉइंट बना हुआ है, एक छोटा सा कैश मैक्स करके एक मिलता है, बहुत सुंदर सा एक पिरामिड से गोल्डन, उसमें 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है वह, अब लेकिन इतना महंगा नहीं है गोल्ड, सुनकर के मत डरिएगा। उसको अगर उस जगह पर आप पासबुक पर या कैश रखने वाली जगह पर उसमें रख देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, एक और चीज़ है, एक फार्चून नेम प्लेट आती है आपकी, उसको अपना नाम रखिए एक रिचुअलिस्टिक ढंग से, जैसे आप ऑफिस में बैठते हैं आपकी नेम प्लेट लगी होती है उसमें आप सुंदर ढंग से नाम लिखिए, और उसमें एक पिरामिड के आकार का बना हुआ है वो नेम प्लेट के लिए बना हुआ है, उसको अगर आप अपनी मेज पर सामने रखिए और इस तरह से फील कीजिए कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरी नेम प्लेट लगी हुई है, उसमें आप देखेंगे उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। क्योंकि अधिकतर चीज़ें क्या हो रही हैं कि जो आप वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं नेट के माध्यम से हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट के माध्यम से, जिसको हिंदी में या संस्कृत अंतरजाल कहते हैं, नया शब्द आपको बता रहा हूँ, संस्कृत या हिंदी में इंटरनेट को अंतरजाल कहते हैं, तो अंतरजाल या इंटरनेट के माध्यम से आपकी ऊर्जा को वैश्विक ऊर्जा से जोड़ने में सहायता देगी। और सबसे अंतिम एक चीज़ बता रहा हूँ, पावर मैट, ये आपके पैरों के नीचे रखने के लिए, क्योंकि लगातार आप 4-4, 6-6 घंटे बैठने वाले हैं और लगातार काम, और मैंने देखा है हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो पहले ऑफिस में कुछ घंटों के लिए काम करते थे, घर पर
बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ गया है और उनको ज़्यादा घंटों तक बैठना पड़ रहा है, तो पावर मैट अपने पैरों के नीचे रख दीजिए, अपने जूते मोजे उतार करके पावर मैट पर रख के बैठेंगे तो आपको आपकी पूरे पावर की जो आपके सोल हैं उससे पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। तो जब पावर मैट पर आप रख के बैठते हैं पूरे शरीर को आपकी ऊर्जा मिलती रहती है, शरीर को हर अंग को ऊर्जा मिलती रहती है। तो छोटे छोटे जो बिंदु बनाए हैं इनका अगर परिपालन करेंगे आप जो है तो आपको वर्क फ्रॉम होम में समस्याएं नहीं आएंगी, आप सफल होंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, प्रसिद्ध बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, हर तरह से अच्छा होगा आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्णन, astrodyom.com।